हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका। हम क्वेश्चन एक से लेकर लास्ट तक आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको कॉपी को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और बच्चों, एक मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे और हिंदी के क्वेश्चन नंबर एक से लेकर लास्ट तक सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कॉपी लिखना है। आपको यही फार्मूला सभी पेपर में आपको लगाना है, ठीक है। तो बच्चों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो देखिए, समय आपके पास होता है 3 घंटे 15 मिनट, हमने लिया है हिंदी का, ठीक है। आप किसी भी पेपर को इसी ट्रिक से लिखिएगा। पूर्णांक 100 का रहता है। हम सीखेंगे कि हमें ए से लेकर, यानी कि शुरू से लेकर जेड तक, ए टू जेड, शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे कॉपियों को लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने लिया है मॉडल पेपर हिंदी का। तो देखिए, यहाँ से ये मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, खंडका से, खंडका का पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपके हाथ में कॉपी आए तो आप लोगों को लिखना है बच्चों खंडका, यानी कि हम कर रहे हैं किस खंड को, बच्चों खंड का को कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग जो आपको लाइन वाइन करनी होगी, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर एक आपका है कि निंदा रस निबंधकार के लेखक हैं, यानी कि ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे बताइए, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है, संख्या, या फिर केवल प्रश्नोत्तर आप लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या एक, इस प्रकार से आपने डाला। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लैक स्केच का यूज करना है, ये रेड और इन सब स्केच का यूज आप मत कीजिएगा, ठीक है, इन सब पेनों का। अब देखिए, आपने डाला प्रश्नोत्तर संख्या एक, तो देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इस प्रश्नोत्तर एक में क्या दिया है, ऑप्शनल है, एक का खा गा घा अंगा करके 5 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन उतारना नहीं है, ध्यान से सुनिए कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ पर आपको डालना है बच्चों प्रश्नोत्तर एक का, ठीक है, खा गा घा और अंगा, यानी कि सभी को आपको यहां पर लिख देना है। अब बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है आपको यहां पर अब लिखना है, ठीक है, कैसे लिखेंगे आप लोग देखिए। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, देखिए का जो सही आंसर है उसको आपको लिखना है। जैसे देखिए, निंदा रस निबंधकार के रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई हैं, ठीक है। अब क्या भूलू क्या याद करूं, इसके किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। तो आप लोग ऐसे यहाँ पर चिन्ह लगाइएगा, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या एक डालकर आप लोग क्या कीजिएगा, इसी में काका गघा आता है तो आप लोग लिखिएगा का कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बच्चों तीसरा भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं हरिशंकर परसाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहें आप तो, या फिर तीसरा करके भी छोड़ सकते हैं, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। देखिए, क्या भूलूँ क्या याद करूँ किस रचना की है बच्चों, आत्मकथा है, तो चौथा इसका सही है, खा का चौथा। तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, गा का ये परीक्षा गुरु है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, तो इसका पहला सही है, ठीक है। घा का देखिए बच्चों, घा का जो सही है उसको आप लिख लीजिएगा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे बच्चों, श्याम सुंदर दास, दूसरा सही है। तो इस प्रकार से आपको जो समझ में आए, मतलब जो आपको आता है बोर्ड एग्जाम में, उसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। काका अगर तीसरा सही है बच्चों, हरिशंकर परसाई, तो आप लोग तीसरा लिख दीजिएगा, और टाइम रहे तो आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा हरिशंकर परसाई, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा भी डाउट ना हो, वो आपको पूरा नंबर दे। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी का नाम भी जो सही है उसका, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या एक आपको समझ में आया हमने किस प्रकार से सॉल्व किया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अपना प्रश्नोत्तर संख्या दो सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा है स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या दो, इसमें क्या है, ज्ञानाश्रय शाखा। जैसे देखिए, ये हिंदी गद्य साहित्य का था ऊपर वाला, और जो ये आप दूसरा देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ये आप दूसरा जो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हिंदी काव्य साहित्य से बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए, इसमें भी दूसरे में भी का खा गा घा अंगा 5 दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, मैंने जो ट्रिक बताया उसी को फिर से आजमाइए। यहाँ पर क्या कीजिए स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर डालिए प्रश्नोत्तर संख्या दो, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, दो, या फिर प्रश्नोत्तर दो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या दो हमने लिख दिया, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या दो में भी हमने देखा अभी बच्चों कि का खा गा और घा और अंगा करके इसमें भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, का खा गा घा अंगा लिखिए, और जो ऑप्शन इसमें से सही है, जैसे देखिए, ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कवि नहीं है,
जो ऑप्शन सही है आपको उसमें काम है, आप ऐसे कीजिए जैसे मैंने ऊपर किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था, उर्वशी पर। तो आप लोग घा का तीसरा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं, यहाँ पर उर्वशी पर भी लिख सकते हैं। तो जो जो बच्चों आपको आता है उन सभी को आप लोग ऐसे काखा गाखा करके प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर आते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है हमारा कुछ इस प्रकार से, ये एक पैसेज दिया रहता है। देखिए यहाँ पर पैसेज दिया, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। ये दिया होता है बच्चों आपका क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर का। तो देखिए ये पद्यांश एक, हम यहाँ पर आते हैं बच्चों, पूरा देखते हैं। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन रहते हैं पद्यांश में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक आजमाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों को यहाँ पर लिखना है बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो पहले हम लिख देते हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, और 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब 3 हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया, तो आप लोग 3 लिख दीजिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे देखिए, राष्ट्रीय जन किन रूपों में अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। दूसरा है, सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो बिल्कुल सेम आपको वैसे ही लिखना है बच्चों। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट का आप लोग यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। और सेकंड आप लोगों को लिखना है तो सेकंड का लिख दीजिएगा। थर्ड लिखना है तो थर्ड को लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको व्याख्या करनी है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर। चौथे पे स्टूडेंट आपका क्या है, देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो चौथा आप लोग क्या कीजिएगा, इन तीनों का आंसर लिख के चौथा लिख दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, चौथा ऐसे करके रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग ऐसे स्टूडेंट आप लोग हेडिंग डालिएगा, ठीक है, कि व्याख्या। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा जैसा मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आता है बच्चों आपका हिंदी का चौथा प्रश्न, देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भी डालना है प्रश्नोत्तर 4। तो सिंपल है स्टूडेंट, आप लोग डाल दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, हमसे भी अच्छा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 अब आपने डाल दिया। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बट थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग समझिएगा, ठीक है, मैंने इससे पहले वाले पैसेज में नहीं बताया, लेकिन उसमें भी आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा समझिए। ये जो शुरू के लाइन है, जब आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालें तो ये स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन रहते हैं, चाहे आप इसको कीजिए और चाहे ये नीचे वाला कीजिए। देखिए ये वाला भी आप कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी को कर सकते हैं। तो जब आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालें, तो मान लीजिए आप ये कर रहे हैं लज्जाशील वाला, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले यहाँ पर वर्ड लिख दीजिए, फुरू का वर्ड लज्जाशील, ठीक है, और फिर आप डैश 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 करके लिख दीजिए बच्चों लास्ट का वर्ड, जो दिखावे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि आपने इसी पैसेज को सॉल्व किया है। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर भी लगाना होगा, जो तीसरा बच्चों था यहाँ पर, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर था, यहाँ पर भी आपको पहले साहित्य कला लिखकर फिर लास्ट का जो ये है स्वास्थ्यकर है ऐसे लिख देना है, ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए आपने ऐसे लिखा, अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट सेकेंड उत्तर फर्स्ट, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो आप लोग फर्स्ट का ऐसे यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, ठीक है। और प्रश्नोत्तर संख्या आपने डाल ही दिया है, दूसरा देखिए बच्चों इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से, अगर रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आ रही है चौथे पर, तो आप लोग लिख दीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग, ठीक है। कविता के शीर्षक और कवि का नाम, तो अगर आपको संदर्भ लिखना है तो आप लोग चौथे पर लिख दीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या, पाँचवें पर लिख दीजिए संदर्भ, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए। और लिख दीजिए किस लेखक ने लिखा है, कब लिखा गया है, ठीक है, किसने लिखा है। और इस प्रकार से बच्चों आप लोग चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बच्चों हम लोग पहुंचते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं मॉडल पेपर। तो देखिए क्या है, यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का। तो आप लोग डालिए बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है, ये खा है, तो आप लोग सिंपली डालिए प्रश्नोत्तर
संख्या, ठीक है, संख्या, और उसके बाद में डालिए बच्चों पांच का, पांच का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली पहले समझिए, आपको लिखना है किसका जीवन परिचय, इन तीनों में से किसी एक का लिखना है, इन तीनों में से, ठीक है, 80 शब्दों में। देखिए अधिकतम शब्द 80, तो मान लीजिए आपको हजारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, यहां पर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि उनको लगे कि आपने इन्हीं का जीवन परिचय लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपने ऐसे हेडिंग डाला, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छे से डालिएगा, हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं हेडिंग हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है जीवन परिचय, जीवन परिचय, यानी कि इनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है, ब्लैक पेन से आपको ऐसे नीचे डैश लगाना है। अब जीवन परिचय के बाद जब आप लिख दें बच्चों, तो आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय यहाँ पर लिख दीजिएगा, साहित्यिक परिचय, ठीक है। अब इसको भी आपने लिख दिया, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट, पहले समझिए, कृतियाँ इनकी लिखनी है, कुछ रचनाएं लिखनी है, तो कृतियाँ आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बच्चों आपको प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा करना है, तो इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं, आशा करता हूँ ऐसे ही जस्ट आपको लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। अब देखिए बच्चों, आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 6, पंचलाई रथ बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, शब्द सीमा क्या है, 80 शब्द। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर भी वही सिंपल प्रोसेस करना है, ब्लैक से स्टूडेंट आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 6, तो हम लोग लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 6, तो ये इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर करना क्या है, देखिए बहादुर कहानी का उद्देश्य या फिर आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, तो आप लोगों को जिस कहानी का उद्देश्य लिखना है उसको आपको हेडिंग में डाल देना है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है बच्चों पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, तो आप लोग लिख दीजिए पंचलाइट, ठीक है, कहानी का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर सभी को ऐसे ऐसे कर देना है। अब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपको ऐसे ऐसे लिखते हुए जाना है, जिस प्रकार से आपको लिखना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य हो गया हमारा, अगला आता है हमारा 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों ये हमारा आता है, समझिए इसको क्या है, किसी स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे आप में अगर मुक्त यज्ञ है तो आप इसमें से, ठीक है, ये आप इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को, ठीक है, अथवा लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे आप में त्यागपति है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए त्यागपति, तो या आप त्यागपति को इसमें कर दीजिए ये वाला क्वेश्चन या ये वाला, मान लीजिए आपने इसको किया त्यागपति खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, ठीक है, के आधार पर, जैसे दूसरा है त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, तो आप लोग क्या कीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालिए, सीधा सीधा 7वां क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए 7वां क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पर लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7, ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 आपने लिखा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको लिखना है फातवे में ये त्यागपति के खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, तो आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, ठीक है, चरित्र चित्रण, तो आप लोग अब हर्षवर्धन के बारे में जो जानते हो वो आप लिख दीजिए, बस सिंपली आपको यही सब करना है, इसमें समझ में आ रहा है, तो ऐसे आप लोग कॉपी को अच्छे से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपना, अब आता है खंड खा, तो खंड खा को हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर लिखिए खंड खा, खंड खा, तो इसको भी अब हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न आपका आता है 8वां, देखिए यहाँ पर 8वां का का आता है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे प्रश्नोत्तर 8 का का, प्रश्नोत्तर 8 का, ठीक है, यानी कि आप जो कर रहे हैं बच्चों वो प्रश्नोत्तर संख्या 8 है और 8 का जो है का है, ये आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का का। तो देखिए क्या बच्चों, यहां पर आपको क्या करना होता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मान लीजिए आपने 8वां का ये वाला अनुवाद किया, दो आपके पास रहेंगे, एक ये, ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको किया, तो क्या कीजिए, सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक जो बताया है, आप लोग लिखिए जिसको करना है उसका पहला अक्षर तथा कदाचित, ठीक है,
अब आपको क्या करना है बच्चों, डैश डैश लगा देना है यहाँ पर। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। टाइम हमारे पास उतना नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए लास्ट अक्षर आपको ये लिखना है, आकर्णयम दग्रह स्थितम। आकर्ण देखिए मैं लिख रहा हूँ आकर्णयम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, गृह स्थितम, गृह स्थितम थोड़ा अच्छे से आप लोग लिखिएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको लास्ट वाले को लिख दीजिएगा। अब बच्चों संदर्भ आपको अनुवाद करना है, तो पहले संदर्भ आपको लिखना होगा इस पैसेज का, यानी कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग लिखिए यहाँ पर हेडिंग डालिए बच्चों संदर्भ, तो आप लोग संदर्भ में लिखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, ठीक है। संदर्भ के बाद आपको डालना है बच्चों अनुवाद। जब आप संदर्भ लिख दें तो आपको डालना है अनुवाद। मैं यहाँ पर इसीलिए ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ, ब्लैक स्केच का, ताकि आप लोग भी ब्लैक का यूज करें, ठीक है, जाकर वहां पर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट हमारा अगला आता है प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा। तो हम लोग सिंपली यहां पर हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रश्नोत्तर 8 का खा, प्रश्नोत्तर 8 का खा, ठीक है। अब 8 का खा हमें बच्चों करना है, तो 8 के खा में भी क्या है, एक श्लोक दिया गया है। तो हम इस श्लोक के बच्चों फर्स्ट लाइन को लिखते हैं अये, ठीक है। अब आप इन दोनों में से किसी श्लोक को कर सकते हैं, इसमें से इसमें से। तो लाजा नुच्चय, लाजा नुच्चय, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं आए लाजा नुच्चय। अब आप लोग डैश लगाइए यहाँ पर। अब डैश के बाद लास्ट वर्ड प्रिय वादिनम, तो आप लोग लिखिए यहाँ पर प्रिय वादिनम, प्रिय वादिनम, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पर इसका लिख दीजिए संदर्भ। सिंपली हेडिंग डालिएगा आप लोग ब्लैक पेन से संदर्भ, और यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों संदर्भ। लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखिएगा, और अनुवाद, ठीक है। अनुवाद का मतलब इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो इस प्रकार से आप इसे भी कर सकते हैं, आठवां का खा भी कर सकते हैं। अब बच्चों आता है हमारा नवां क्वेश्चन। अब नवां क्वेश्चन को हम करते हैं, तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 9 आप डालिए, ठीक है। देखिए प्रश्नोत्तर 9 सबसे पहले डाल दिए, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, और 9 इस प्रकार से आपने डाला। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 हम कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 में है क्या, पहले समझिए। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे आप किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे है बच्चों की अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं बच्चों अपना उल्लू सीधा करना। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अब आप लोग करिएगा क्या, देखिए ऐसे डैश मारिएगा। अब डैश मारने के बाद आप इसका अर्थ लिखिएगा, ठीक है, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना मान लीजिए होता है, तो स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है, डाला आपने। अब देखिए बच्चों आपको यहां पर हेडिंग डालना होगा वाक्य प्रयोग, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लोग कीजिएगा वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग आपने हेडिंग डाल दिया, इसको आप लोग ब्लैक पेन से डालिएगा इस प्रकार से। अब जैसे अपना उल्लू सीधा करना का वाक्य प्रयोग जो होगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 9 हो जाता है। अब आता है बच्चों हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 10 का। इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम लोग संधि विच्छेद यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रश्नोत्तर 10 का तो हम लोग लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है लेकिन आप लोग समझिए लास्ट तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। प्रश्नोत्तर 10 का या प्रश्नोत्तर संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए इसमें है क्या, इसमें 3 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, तीनों का आंसर आपको देना है। तो आप लोग इसको उतारिएगा मत, ना ही इसका ऑप्शन उतारिएगा, आप लोग सीधा सीधा लिख दीजिएगा बच्चों आंसर 1, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, समझ में आ रहा है। ऐसे आप लोग तीनों को लिख दीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट का मान लीजिए महर्षि का कौन सा सही है बच्चों, मान लीजिए ये सही है, ठीक है, ये वाला सा, तो आप लोग सा आंसर लिखिए। सूर्योदय का आ सही है तो आ लिखिए, इसका बच्चा बोधन अनम सा सही है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहले का क्या है सा, फिर आ, फिर सा, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर फर्स्ट का सा, फिर आ, फिर सा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये खा है, ठीक है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10 का खा, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। अब 10 का खा,
ऐसे डालिएगा आप लोग। अब इसमें भी देखिए बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न है, हम यहाँ पर देख लेते हैं सिंपली, एक बहुविकल्पीय प्रश्न, दो बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया बच्चों, आप लोग फर्स्ट सेकेंड कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट इसका और सेकेंड इसका, ठीक है। यानी कि दोनों का अब आप उत्तर लिख दीजिए, जो ऑप्शन सही है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब बच्चों हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स अब हमारा आता है प्रश्नोत्तर नंबर 11, और इसका का है, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 11 का तो हम डाल देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। तो आप लोग और अच्छे से लिखिएगा, संख्या 11 का, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे हेडिंग आप लोग अच्छे से डालिएगा। अब देखिए बच्चों आगे क्या करना है आपको, इसमें भी एक दो आपको लिख देना है, एक और दो, देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, तो पहले का कौन सा सही है इसको आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले का ये है अभिराम अभिराम अभिराम, सुंदर और लगातार, ठीक है, तो इसका आ सही है, तो आप लोग आ लिख दीजिए, और अगर आपके पास टाइम हो तो सुंदर और लगातार बगल में लिख सकते हैं। स्वर्ण और सावर्ण, ठीक है, तो सोना और उच्च जाति, ये होगा मान लीजिए दा वाला, तो दा आप लोग इसका सही आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सही आंसर लिख सकते हैं। बच्चों हम आते हैं अपने 11वें के खा, तो बच्चों 11वां का खा देखिए, ये 11 है प्रश्नोत्तर नंबर 11 का खा, तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा डालेंगे बच्चों, सिंपली है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का खा, इस प्रकार से आप लोग डालिएगा, और इस प्रकार से आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिए खा में है क्या, सबसे पहले समझिए, निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, जैसे अली के आपको दो अर्थ लिखने हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट लिख दीजिए अली, जैसे देखिए पद है, लक्ष्य है, ठीक है, तो आप लोगों का ये ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा आपको लिखना है पद, तो दूसरा आपको है पद, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बच्चों पद का लिखना चाहें तो जो होता है इसका प्रश्नोत्तर वो आप पद का लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कीजिए, पद का जो अनेक जो ये है स्टूडेंट शब्द अर्थ है, इसको आप लोग लिख सकते हैं पद का क्या होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट पद का जो पर्यायवाची होता है यानी कि शब्द अर्थ होता है वो होता है बच्चों स्थान हो गया, ठीक है, पैर हो गया, दो आपको लिखना है, दो ही आप लिखिएगा, भाग हो गया, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है, पहले आप पर्यायवाची के रूप में पढ़ते थे, अब शब्द अर्थ है, ठीक है, आपके सिलेबस में। अब देखिए बच्चों आपका आता है प्रश्नोत्तर नंबर 11 का गा, देखिए यहाँ पर ये गा है, ठीक है, तो लिख दीजिए प्रश्नोत्तर 11 का गा, प्रश्नोत्तर 11 का गा, ठीक है, समझ में आया, इस प्रकार से आप लोग लिखिए। अब इसमें भी बच्चों ऑप्शन है, ये फर्स्ट सेकंड दो ऑप्शन है, तो दोनों को हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब इसका सही आंसर जो हो उसको बच्चों आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, ठीक है, और जिसके कम जानने वाला, कम जानने वाला बच्चों जैसे अल्पक हो गया, तो इस प्रकार से आप लोग इसका सही आंसर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम इसमें घा देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 11 का घा, तो इसको भी कर लेते हैं हम। तो बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 11 का घा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करिए, ये वाक्य होता है बच्चों, इसको शुद्ध करना होता है, थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं, तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 11 का घा डाल दीजिए, क्या हेडिंग, प्रश्नोत्तर संख्या, संख्या भी आप डाल सकते हैं या फिर प्रश्नोत्तर से ही काम चल जाएगा, ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा, समझ में आ रहा है तो बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग डालिए। अब देखिए बच्चों होगा क्या यहाँ पर, जैसे ये मान लीजिए आपको पहला दूसरा कोई आ रहा है, तो दो आप लोग क्या कीजिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए पहला दूसरा आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट डालिए, यहाँ पर इसको शुद्ध कीजिए, शुद्ध वाला लिखिएगा केवल, और यहाँ पर आप लोग दूसरा डालिए, इसको शुद्ध वाला लिखिए, ठीक है, जो आपने शुद्ध किया है इन दोनों वाक्यों में से, समझ में आ रहा है बच्चों। ये हमारा हो गया इतना सिंपल। अब हमारा आता है 12वां क्वेश्चन, कुल 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12वां है बच्चों की श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 12 का क डालना है, तो डालिए जल्दी से स्टूडेंट आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 11 यानी कि 12 का आएगा आपका, 12 का, तो आप लोग ऐसे डालिए। अब देखिए बच्चों 12 का काम, मान लीजिए आपने लिखा किस रस को, मान लीजिए आपने करुण रस को लिखा, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए यहाँ पर बच्चों, करुण रस हेडिंग डाल दीजिए, करुण रस। अब करुण रस आपने हेडिंग डाला, अब हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए करुण रस को। अब देखिए करुण रस के बारे में आप जो पता है आपको वो लिख दीजिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभावन भाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो इसकी निष्पत्ति होती है, ठीक है। फिर आप लोग क्या कीजिए, उदाहरण लिखिए, उदाहरण, अब उदाहरण जो आपको पता है उसको भी आप लोग हेडिंग डालकर लिख दीजिए,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिए। अब बच्चों आता है हमारा प्रश्नोत्तर नंबर एक, इसके बाद है प्रश्न 12 का खा। तो 12 का खा भी बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार को आप क्या कीजिए, अनुप्रास अलंकार लिखिए, मान लीजिए आपको ये लिखना है, फिर उसके बारे में लिखिए, फिर हेडिंग आपको उदाहरण लिख देना है, ठीक है। चौपाई है तो चौपाई में आप क्या कीजिए बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ग लिखिए, ठीक है, और क्या कीजिए चौपाई हेडिंग डालिए और उसका नीचे उदाहरण लिख दीजिए, बस इतना सिंपल है। बच्चों आता है आपका 13वां, 13वां में क्या कीजिए, अपने पड़ोस के किसी विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद, यह मान लीजिए आपको इसे लिखना है बच्चों, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, लिख दीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 13, प्रश्नोत्तर नंबर 13। तो आप लोग यहाँ पर चलिए बच्चों हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर 13, प्रश्नोत्तर संख्या 13, ठीक है, संख्या 13। अब बच्चों 13 में आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। तो आप लोग जिस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हैं बच्चों, वो यहाँ से लिखना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो आपको लिखना है, मान लीजिए सेवा में, ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी, तो आप लोग ऐसे ऐसे आप लोगों को जो लिखना है लिख दीजिए, या फिर आप लोग इसका थोड़ा सा बच्चों जो एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इसको आप लोग थोड़ा सा उतार सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों, ताकि आप उसको पता चल सके कि आपने इसी पत्र को लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, यानी कि आपको निबंध लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर भी सिंपली डालिए प्रश्नोत्तर नंबर 14। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 14, ठीक है, इस प्रकार से लिखा आपने। अब देखिए बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 14 में मान लीजिए जिसका आपको निबंध लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है वृक्षारोपण, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट, यहां पर लिखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से हेडिंग डालिए, अभिशाप ऐसे डालिए, ताकि उसे लगे बच्चों एग्जामिनर को कि आपने इसी को किया है। अब बच्चों आपको इसी प्रकार से प्रस्तावना लिखना है, कुछ हेडिंग्स आपको लिखना है कि विज्ञान हमारे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, किस प्रकार हानिकारक है, ठीक है, किस प्रकार से विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है या फिर हानिकारक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग इस पूरे मॉडल पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको समझ में आया क्या। आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया बच्चों वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो मैं न्यू वीडियो भेजूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से पसंद आ गया होगा। ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या लिखकर आप लोग जो प्रश्न का उत्तर लिखना है उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।